रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद भारतीय मूल के लोगों की चिंता बढ़ गई है। सभी यूक्रेन में फंसे अपने परिजन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बिहार के अलग अलग जिलों के कई बच्चों जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, वो युद्ध के बीच वहां फंस गए हैं। इन्हीं बच्चों में से एक है मुंगेर के तारापुर विधानसभा से जदयू विधायक राजीव सिंह की बेटी रीमा सिंह, जो 3 महीने पहले ही डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी और अब वो वहां फंस गई है। अब इस मामले में मिल रहे ताजा जानकारी के अनुसार कई भारतीयों के साथ रीमा सिंह का भी रेस्क्यू कर लिया गया है। जदयू विधायक की बेटी रीमा सिंह ने अपने चाचा संजय कुमार सिंह को फोन कर पूरी जानकारी दी और यूक्रेन से फोटो भेजी है। रीमा ने चाचा को बताया कि भारतीय छात्र रोमानिया के रास्ते बस से रवाना हुए हैं। उसके साथ कई भारतीय बस से निकल चुके हैं। भारत सरकार द्वारा विमान उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही सबकी वतन वापसी होगी। जानकारी हो कि इससे पहले रीमा सिंह के विधायक पिता राजीव सिंह बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने पटना गए थे। विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेटी अभी ठीक है, वहां के हालातों से उनकी चिंता बढ़ गई है। बेटी जिस जगह है वहाँ खतरा कम है, यदि किसी कारण से हालत बिगड़ते हैं तो यूनिवर्सिटी सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था करेगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से लगातार वीडियो संदेश के जरिए वहां फंसे भारतीय छात्र भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। वही सुरक्षित भारत वापसी की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के खूंटाडी निवासी मनीष से लेकर सहरसा के बटराहा के रहने वाले प्रवीण और भागलपुर के सुल्तानगंज के शुभम सम्राट भी वहां फंसे हुए हैं। उनके परिजन भी चिंतित हो उठे हैं। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।